Let's begin. So today we will be taking the topic types of chemical reactions. I will just share my screen. मैंने हैव यू रीड द नोट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू? Yes, Was that okay? ma'am. This was it. Then coming through to the next topic, that is types of chemical reaction. So basically, we are having four different types of chemical reactions. Number one, combination. Number two, decomposition. Number three, displacement. Then double displacement. Then oxidation and reduction. As the name is suggesting itself, combination. That means there are two or more than two compounds, right? They are coming up together and forming a one particular product. So here what is happening, those reactions in which two or more substances combine to form a single substance. Okay, so basically, for example, this magnesium oxide, when it is combining with oxygen, then magnesium is combining with oxygen, then we are getting magnesium oxide. When H2 and O2 are combining, they are giving us water, that is H2O. You can see here the equation is balanced. Okay, because over there in two molecules, okay, oxygen के हमारे दो molecules थे और यहाँ पे हमारा एक भी molecule नहीं था, तो हमने यहाँ पे two लगाया तो हमारा oxygen तो balance हो गया, लेकिन magnesium जो था वो imbalance हो गया, तो हमने magnesium से पहले भी two लगा दिया, तो दो magnesium दो oxygen, दो magnesium दो oxygen, right? Similarly the thing happened here with hydrogen. हमारे H2 के दो थे, O2 के दो थे. यहाँ पे H2 तो दो थे, लेकिन O जो थे वो दो नहीं थे, तो हमने यहाँ पे लगाया. फिर इसको इधर भी लगाना पड़ा क्योंकि 2 2s are 4, और फिर यहाँ पे 2 लगाया था, 2 2s are 4, तो हमारा हाइड्रोजन भी था, बैलेंस हो गया. सो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज रिएक्शंस. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं. सो दे कैन आस्क यू गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम और गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम. देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बेसिकली डीकम्पोज होना यानी कि आपका स्प्लिट हो जाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम डीकम्पोजर्स की बात करते हैं, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीजों में कर देते हैं, राइट? तो सिंपलर चीजों में जब वो टूट जाते हैं तो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं. तो दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक ही है, एक से हमारे दो तीन बन रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का. कॉम्बिनेशन में क्या है, दो से एक बन रहे थे और इसमें एक से दो बन रहे हैं, राइट? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से क्या क्या हो रहा है, जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, राइट? जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर वो हीटिंग की वजह से हो रहा है
यानी कि हीट करके आप कोई रिएक्शन को करवा रहे हो, तब वो हमारा कौन से टाइप का कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल जनरली हम हीट वगैरह के लिए यूज करते हैं. इज दैट ओके? इसके अंदर दिस टेस्ट लेड नाइट्रेट वाला जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपका जो लेड है वो तो बचता ही बचता है, लेकिन उसके साथ आपके नाइट्रोजन के ब्राउन फ्यूम्स उठते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के. लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है और लेड मोनोऑक्साइड भी कलरलेस होता है, लेकिन उसके ऊपर से आपको ना ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स उठते हुए दिखते हैं. ये मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ. ठीक है, यू विल ऑब्जर्व कि किस तरीके से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं. वो हमारा ये होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेड नाइट्रेट. Hello scientific brilliant people, how are you today? So today I'm going to demonstrate a thermal decomposition reaction of PbNO3 whole twice, that is lead to nitrate. And for this experiment we require a Bunsen's burner, we require a test tube holder, we require a test tube, we require PbNO3, and PbNO3 whole twice lead nitrate is white in color, and I have already taken some amount of lead nitrate in the test tube, right? So I already have this PbNO3 whole twice over here. Plus we also require an incense stick to check the presence of oxygen. Now the reaction goes as under: the lead nitrate PbNO3 whole twice, it decomposes in presence of heat to form lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen gas. Nitrogen dioxide is a toxic gas and it is reddish brown in color, and oxygen gas can be checked by the help of the incense sticks. So now let's proceed the experiment. We need to heat it a bit strongly. As you can see, the decrepitation is taking place. As you can hear the sound, crackling sound. As you can see, the reddish brown fumes have started to come out. And now let me put the burning incense sticks inside. As you can see that the oxygen gas is making the flame more brighter. Oh, done, superb. So as you can check the presence of oxygen gas with the help of burning splinter. The oxygen gas burns the splinter, and here we have the NO2 gas as well. So hopefully guys you have understood the demonstration. Please make sure that this reddish brown gas is very toxic, so whenever you carry out this experiment you carry out in open. Thank you for watching the video. इन्होंने इसमें ना एक गलती ये करी है कि इन्होंने सॉलिड फॉर्म ले लिया. हम ना थोड़ा सा इसके अंदर वाटर डाल देते हैं टू अवॉइड दिस क्रैकलिंग साउंड, क्योंकि जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होती है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है नॉर्मली,
और वो ना इतनी हीटिंग के ऊपर ना टूट जाती हैं, और कभी भी हम चीजों को डायरेक्ट हीट, मतलब इन्होंने जितना पास में रखा था ना इतना पास में कभी भी नहीं रखते हैं, थोड़ा हम इसको दूर रखते हैं और वो उतने में ही आ जाता है। इनका केमिकल पुराना होगा, और इन्होंने टेस्ट ट्यूब भी ना क्रोमेटोग्राफी में जो यूज होती है ना बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब, उन्होंने वो ले रखी है। तो जो नॉर्मली हमें टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड करी जाती है ये वो टेस्ट ट्यूब नहीं है, तो कभी लैब में एक्सपेरिमेंट हो तो कभी भी ऐसे मत करना। ओके या सो आपने देखे कि किस तरीके से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे, लेकिन आपसे कभी भी लाइक ऑक्सीजन का अगर पूछ ले, वैसे तो देर आर हार्डली एनी चांस कि आपसे ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछा जाएगा, बट आपको एक क्वेश्चन में लिखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इस एक्टिविटी के अंदर आप किस तरीके से ऑक्सीजन को वेरीफाई कर सकते हो कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो आप इंसेंस स्टिक वाला एग्जाम्पल उसमें दे सकते हो। ओके मैंने इसके आगे के ना नोट्स नहीं बनाए थे एक्चुअल में, तो इसके आगे से मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी डिकम्पोजिशन के बाद से, और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं दिखा दूंगी। तो उसके बाद हमारा आता है डिकम्पोजिशन के बाद, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना वो काफी, मतलब उसके जो यूजेस हैं वो काफी जगह हैं। बेसिकली जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बेसिकली कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करनी होती है, तब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जैसे कि मैं बोलूँ हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है किसका, फूड का हो रहा है, ठीक है। जैसे अब हमने वीट खाया, यानी कि रोटी खाई तो वीट खाया, राइस खाए, पोटैटो खाए, तो क्या हुआ हमारी बॉडी में जो स्टार्च अभी गया जो और प्रोटीन्स वगैरह गए, ये कॉम्प्लेक्स थे, ये हमारी बॉडी में जाते सिंपलर चीजों में टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक बड़ा आइटम था, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसके छोटे 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 फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं, ठीक। तो ये भी हमारा क्या है, एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये इसके यूजेस हैं। देन कमिंग टू थर्ड टाइप इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना यानी कि एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, उसको हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है और एक हमारा उससे थोड़ा वीक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव को, यानी कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो रिप्लेस कर देगी किसको, जो कम रिएक्टिव होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जिंक जो है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी कॉपर। तो व्हाट हैपेंस इज हमारा जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है और हमारा जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर रिलीज हो जाता है। ओके फिर हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल मींस टू और डिस्प्लेसमेंट वही हो रही है, यानी कि यहाँ पे दो चीजों के डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बेसिकली ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो कंपाउंड्स जो है ना वो एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को, ठीक है, अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं और एक नए कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर यूजुअली ऐसा होता है, एक जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐसा इनसॉल्यूबल यूज करते हैं जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम BaCl2 वाला रिएक्शन ले, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैंने दिया था, ये रहा, ठीक है। तो आपका ये जो रिएक्शन था, दिस BaCl2 सॉल्यूशन था, इसके अंदर आपकी BaSO4 की क्या बन रही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रही है, किसके साथ रिएक्ट करने के बाद, आपके सोडियम सल्फेट के साथ। ओके तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें बेसिकली हुआ क्या, हमारा जो बेरियम था उसने सल्फेट के साथ बना लिया, ठीक है, तो Na बचा और Cl बचा, और एंड में NaCl कंबाइन होके हमारा सॉल्ट बन गया। तो इसकी इक्वेशन यही है, BaCl2 plus Na2SO4 will give you BaSO4 which is a white PPT plus NaCl. तो NaCl क्या है, हमारा कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम नॉर्मल घरों में खाते हैं, दैट इज द टेबल सॉल्ट।
फिर कमिंग टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आपको अभी इस लेवल पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है, ये आपको अभी नहीं देखना. आपको सिर्फ पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है. जब हम बोलते हैं किसी भी चीज के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो ऑक्साइड्स जब होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो एड ऑन हो जाती है रिएक्शंस के अंदर, राइट, कंपाउंड्स के अंदर. तो ऑक्सीडेशन में यही होता है, हमारा एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो वो उसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है. या फिर आप कह सकती हो ऑक्सीडेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशन पे ही हो. मान लो अगर मैं हाइड्रोजन हटा देती हूँ किसी में से तो बचा तो ऑक्सीजन ही, राइट, तो हुआ तो तब भी उसका ही ऑक्सीडेशन. तो या तो रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, आप उसको ऑक्सीडेशन बोल सकती हो, या एडिशन हो रहा है आपकी ऑक्सीजन का, तो वो भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है. फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है. जैसे कि ऑक्सीडेशन में था हाइड्रोजन रिमूवल था, इसी तरीके से रिडक्शन में क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन की एडिशन है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन है. और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारी साइमल्टेनियसली एक साथ होती है तब हमारा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है. इफ यू विल बी ऑप्टिंग फॉर साइंस इन द सीनियर क्लासेस लाइक 11th एंड 12th, सो इन 12th क्लास और 11th क्लास यू विल बी स्टडिंग ऑल दीज रिएक्शंस, हाउ दे आर टेकिंग प्लेस, कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस वगैरह, तो वो सब आपका हायर लेवल पे है. इस लेवल पे अभी सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है. देन कमिंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट ओनली, इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब एजेंट कौन होते हैं, जो हमारे काम कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे काम में हेल्प करते हैं. तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, राइट, या फिर आप कह सकती हो वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को रिमूव करा दें इक्वेशन से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे फिर, ऑक्सीजन, यस, जो कि रिमूव करा दें ऑक्सीजन या फिर सपोर्ट करें हाइड्रोजन को. इज दैट ओके? यस मैम. मैं आपको एक इक्वेशन से समझाती हूँ. इसके लिए लेट मी कम टू द बॉटम पार्ट. ओके, लेट मी जस्ट, ओके, नो प्रॉब्लम. आई हैव H2S प्लस Cl2 okay then it will be giving us s plus 2 HCl s ओके okay. ये हमारी H2S गैस है, या सॉलिड फॉर्म में भी आप ले सकते हो. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एक हमारा जो सल्फेट का आयन है वो एज इट इज है, और HCl फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा S का जो था यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि रिमूवल हो गया. अब आप देख सकते हो मैं क्या यूज करूँ इसके लिए. I cannot use a pen over here. I want to draw something. Okay, मैं इस पे समझाती हूँ कुछ थोड़ा करके. No, actually, okay, just see here. ये H2S है. अब इसमें से H2 जो है ये हट गया, सिर्फ यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में S बचा, राइट. तो यहाँ पर H2 का रिमूवल हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें H2 जो है वो रिमूव हो रहा है, राइट. तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है
कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा, ये H2S जो है वो ऑक्सीडाइज होके S बन रहा है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है हमारा रिमूव हो रहा है. एम आई राइट? ओके. और यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl जो है यहाँ पे Cl के अंदर ये Cl था, यहाँ पे H एड हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है. तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन एड ऑन हो गया, ये रहा. क्या क्या हो जाएगा रिएक्शन, ये पहले क्लोरीन था एज इट इज सीएल टू, हम यहाँ पे एच सी एल बन गया, ये हाइड्रोजन एड हो गया, तो इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? वेरी गुड, रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका एडिशन हो गया. तो हमारा ये एच सी एल जो है ये रिड्यूस हो रहा है, एच टू एस जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है. इज दैट ओके? सो यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सब चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. इज दैट ओके? ओके. तो रिडॉक्स रिएक्शंस यही होते हैं. फिर इसका इफेक्ट क्या क्या है हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस का, तो बेसिकली जो हमारे डैमेजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा छतों के ऊपर क्या होता है, अगर आयरन वगैरह पड़ी हुई है तो उसके ऊपर रस्टिंग वगैरह हो जाती है, या हमारे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो करोड होने लगते हैं, राइट? हमें पता है रेंसिडिटी के बारे में हमने सुना है, करोजन के बारे में सुना है, ठीक है. बेसिकली करोजन में क्या होता है, आपका जो मेटल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो रस्ट फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, आई विल बी गिविंग यू दिस रिएक्शन इन द रिटन फॉर्म सो दैट यू कैन लर्न इट एज इट इज. देन रैंसिडिटी, बेसिकली इट इज द कंडीशन विच इज प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन, ओके, जो कि हमारी फूड के अंदर होती है. रैंसिडिटी जो है वो हमारी फूड के अंदर होती है, जैसे कि हम खाना वगैरह बाहर खुला रखते हैं, या गर्मी है तो फ्रिज में भी इवन क्या होता है, उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, ऐसा लगता है खाना सड़ गया, तो दैट इज रेंसिडिटी. तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम क्लोज टाइट कंटेनर्स में चीजों को ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें, फ्रिज में भी ना रखकर रेफ्रिजरेटर में रखें, फिर या फिर हम चीजों को धूप से या मॉइस्चर से दूर रखें, राइट, या फिर उनकी पैकेजिंग ऐसी करी जाए कि उसके अंदर फैट्स एंड ऑयल ज्यादा हो और नाइट्रोजन गैस हो. आपको पता है जो लेस के पैकेट्स वगैरह होते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि वो चीजें जो है वो हमारी पैकेट की सड़े नहीं, राइट? तो हम इन चीजों को ऐड करके अपनी रेंसिडिटी जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर. विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई विल बी कंप्लीटिंग द नोट्स टुडे एंड यू विल गेट एन यू विल बी एबल टू सी इट टुमारो. ओके, it's 825 right now. Balancing equation, are you clear with balancing equations? Yes ma'am. Okay, let me just give you a small task. Let me take out the science book. I'm not including H2S reaction, is it given in the book? Sorry, the H2S reaction which you showed me, is it given in the book? H2S reaction in the book. Is it there? Let me just see if it's there, because I usually make notes from the other book. Lead nitrate one is there. And other reactions are there for redox reactions. I will be providing you the other reactions as well. I have so many reactions, and if you want to study more other than this, then I will suggest you to opt for Lakhmir Singh. You have Lakhmir Singh? Yes. Yeah, I usually prepare notes from that book only, and that is very very helpful book for me as well. I used to study from that book only in my school days. Okay, so I am giving you certain questions, and
I hope. Okay, one more question which I missed is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ना, वो हमारा ब्लू ब्लू कलर का होता है, एंड जब उसके अंदर हम आयरन नेल डालते हैं ना, तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है. आई विल जस्ट शो यू दिस एक्सपेरिमेंट. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजिंग कलर. Hello there, scientific brilliant people. How are you today? So today I'm going to show you a displacement reaction between the iron and the copper sulfate. So the reaction goes as under: Fe plus CuSO4 is Cu plus FeSO4. So basically, copper sulfate is blue in color, and I'm going to make a solution. I'll show you very shortly. And the moment I put this iron nail inside, and we will have to wait for at least a day because this reaction is very, very slow. So you will be seeing that the solution actually turns greenish. So this is green in color, and the copper is brown, which will be deposited on the iron nail, right? So let me show you what I'm going to do. So the apparatus required are the iron nail. So this is our iron nail, and these are some test tubes. So I have kept two test tubes which are empty, and this is a test tube which is almost full with water. I'm going to show you some copper sulfate salt. So as you can see that this is cupric sulfate, so this is CuSO4. It is written pentahydrate, that means dot five molecules of water that are in it. So I'd like to show you that the color of this Don't get confused कि pentahydrate क्या है, ये आपके level का नहीं है, क्योंकि आप जब 12th class में आएंगे तब आपको pentahydrate क्या होता है, cupric क्या होता है, ये सारी चीजें तब पता चलेंगे. आपको अभी सिर्फ इतना देखना है कि ये copper sulfate के साथ किस तरीके से color change हो रहा है, and this is a type of a displacement reaction. Because आपका आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर. तो कॉपर चुके ऊपर ना, कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, आयरन नेल के ऊपर, जिसको हम कहेंगे corrosion हो गई, ठीक है. It is blue. I'm going to take a very small amount of salt, and I'm going to add it in the test tube like this. Now, adding the water. I'm going to shake it well. Now, as you can see, people, that the complete dissolution of the copper sulfate has not taken place, but don't worry, we are not going to take the complete part of it. So we'll just remove the upper part, which is this part, that is the copper sulfate solution, like this. And now what am I going to do is, people, I'm going to add this iron nail inside it. Now, as I've told you that this is a very slow reaction, so we'll have to wait for a day. Hey, scientific people. So I had been very patient today, and I had waited for 2 days for my reaction to get completed. And as you can see here, that there is a copper deposition on the iron nail, and as you can see that this blue color solution has faded and it has converted into slight green color due to this reaction taking place over here. So you need to be more patient as the reaction happens. And let me pull out this test tube and let me show you. Say this brown color copper on the new brand iron nail. So let me pour out the liquid part first.
इनका जो कॉपर सल्फेट है ना वो भी अच्छा नहीं है, वरना कॉपर सल्फेट ना डिसॉल्व हो जाता है इतनी शेकिंग के बाद, और कभी भी हम रिएक्शन को 2 दिन के लिए नहीं रखते, ऑब्वियसली कलर फेड हो ही जाता है फिर उसका। तो इन्होंने 2 दिन रख दिया इसलिए इनका कलर फेड हो गया, अदरवाइज इट कुड हैव शोन द ग्रीन कलर, और वो बहुत अच्छा प्यारा ग्रीन कलर आता है, बहुत प्यारा। Okay, now I have poured out the liquid content and I'm going to pull the iron nail outside. Oh, look at that, people. So here, this as is you can copper. See that this is the brown color copper. As you can see, this is the copper which is deposited on the iron nail, which completes our displacement reaction process. So guys, thank you. इन्होंने क्योंकि 2 दिन रखा था ना तो इसने इसका ग्रीन कलर आ नहीं पाया सही से। लेट मी सी, बट वंस यू विल बी परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इन द लैबोरेटरी ना अंडर सूटेबल कंडीशंस वो आ जाता है एकदम। आलिया इज हियर। Then I am giving you certain questions. Okay. Just note them down somewhere. Yes, ma'am. First of all, you have to. You just mark it down in your book. In the back exercises, what you have to do is question number 7 you have to do, question number 8 you have to do, question 7. Yes, yes, question 7, question 8, then question 10. I have told you why respiration is an exothermic reaction. You have to explain that. Then question number 11. Try attempting question number 11. Okay. But if you don't get it, that's okay. I will be providing you then. Then question number 5. Try doing question number 5 as well. You have to change these equations into chemical form. Then question number 3. Okay, leave question number 3. I will be telling you question number 3. Then question number 13. Question number 16 and question number 20. The remaining questions I will be telling you. Okay, so these are some questions which I want you to complete right now, and do one thing if it's possible for you. Yes, Alia, you have to wait for your class. Your time has not started yet, okay? Okay, ma'am. Asa, just go through these questions. Okay, and try attempting them. I am here. Ma'am, can I start here? Yes, ma'am. Alia, abhi aapki class start hui nahi hai, aapki 9 baje se hai, okay? Yes, ma'am. तो ये करो, कोशिश करो थोड़ा पढ़ने की। मैम, यस, 9 बजे कर ले फिर। हाँ, 9 बजे क्लास ज्वाइन कर लेना। यस मैम, ओके। आई एम हियर, आई एम जस्ट म्यूटिंग माय सेल्फ।
And you can ask me if there is any doubt in these questions.
Asta, at least you can switch on your video. Okay. Yeah. Okay, so here is one point in uses of decomposition reaction which I felt that I have missed this thing. We all are aware of ores, that how metals and non-metals and occur in the naturally form. Okay, so hum kis tarike se unko extract kar rahe hain natural form se, theek hai, jaise ki chloride aur oxides ke forms ko, compounds ko agar hum extract karenge to with the help of decomposition reaction hum karte hain, ठीक है, मेटल्स वगैरह को. तो ये हमारा एक यूज है डीकंपोजिशन रिएक्शन का. ओके.
Hello, Ayan. Hello, ma'am. Yes, ma'am. How are you? I am fine. You're fine. How are you, ma'am? I am also good. So, how is your Ramzan going? No, ma'am. You're not fasting these days? No. No. You are small, na? You're not supposed to fast. Asar se maghrib tak ka to fast ho hi sakta hai. Ya wo bhi nahi. Okay, ma'am. कल का रखोगे फिर? Yes, ma'am. Promise? Yeah. Okay, your friend Ishita is here. Inshallah. Inshallah, very good. अच्छा लगा सुनकर इंशाल्लाह. Okay, hi Ishita. Astha, you can leave the meeting if you want and just complete the work and send me on WhatsApp, okay? Or you can mail me. Either you can mail me or you can just share with on the WhatsApp. It's up to you. Okay. And if there is any doubt, mention it there, okay? Okay, so we will be seeing you in the next class and you can access this document. By tomorrow, again, I will be completing the notes today itself by the night. I am trying to do it as soon as possible. Actually, I'm quite occupied with my college work assignments and all. It's the submission time and the presentation work is all going on. So I am busy in doing that work. So that's why I was unable to just complete these notes. Okay, so go through them. And if there is any kind of doubt, just highlight the points. You are also the editor. Just highlight the point so that it will be much easier for you, or write it down somewhere. And in the next class, I will be clearing the doubts and will be beginning with the next chapter. Okay. Okay. So from tomorrow, from the next class, I will be beginning with the physics part, the chapter electricity, right? Yes, ma'am.